हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल देखने वाले हैं। सो कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये जो कंट्रोल है ये तीन तरह के कंपैरिजन के लिए यूज होता है। सबसे पहला कंपेयर वैलिडेटर वी यूज टू कंपेयर विथ वैल्यू, मतलब किसी वैल्यू के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, किसी डेटा टाइप के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरा, किसी और कंट्रोल के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। तो तीनों केस में आप कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल को यूज कर सकते हो। इस एग्जांपल में आपको तीनों टाइप के कंपैरिजन बताऊंगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एज वाला टेक्स्ट बॉक्स लिया है और उसके लिए मैं एक कंपेयर वैलिडेटर यहाँ पर लगा रहा हूँ। और इसके अंदर जो भी वैल्यू एंटर होगी, आई वॉन्ट टू डू द कंपेरिजन विद दैट वैल्यू। और मैं चाहता हूं कि अगर यूजर इसके अंदर 18 से बड़ी वैल्यू एंटर करे तो ही जाकर वो वैलिड एज हो, अदरवाइज इनवैलिड एज हो। सो फॉर दैट आई विल सेट सम प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने सेट करनी है कंट्रोल टू वैलिडेट, दैट विल बी टेक्स्ट बॉक्स 1। सेकेंड प्रॉपर्टी आपको मिलेगी दैट इज वैल्यू टू कंपेयर, और यहां पर मैं सेट कर देता हूं 18। तो इसके अंदर जो भी इनपुट वैल्यू होगी वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कंपेयर होगी। तीसरा जो आपने प्रॉपर्टी सेट करनी है दैट इज टाइप, दैट विल बी स्ट्रिंग और यू कैन से दैट इंटीजर। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी यू हैव टू सेट दैट इज ऑपरेटर ग्रेटर देन। तो यूजर इसके अंदर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो अगर इस वैल्यू से ग्रेटर देन होती है, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन या इक्वल होती है तो ही जाके वो वैलिड एज होगी, अदरवाइज वो इनवैलिड एज होगी। तो इन केस ऑफ इनवैलिड एज हम यहां पर दिखाएंगे प्लीज एंटर ए वैलिड एज, प्लीज एंटर वैलिड एज। सो लेट्स रन दिस पेज। तो ये फर्स्ट कंपैरिजन हम देख रहे हैं, दैट इज कंपैरिजन विथ वैल्यू। सो गाइज, हमने तीन से चार प्रॉपर्टी यहां पर सेट किए हैं। पहली प्रॉपर्टी थी कंट्रोल टू वैलिडेट, दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू टू कंपेयर, तीसरी प्रॉपर्टी टाइप और चौथी प्रॉपर्टी ऑपरेटर। सो लेट मी एंटर हियर एज दैट इज 12, प्लीज एंटर ए वैलिड एज। एंड इफ आई एंटर एज दैट इज 35, दिस इज अ वैलिड एज। यहां से एरर टेक्स्ट निकल गया। Now let us see second type of comparison, that is comparison with data type. So I will take one more compare validator here. और इसके properties हम set करेंगे। सबसे पहली property that is control to validate, text box 2. Second property आपने set करनी है type. So type I will set here integer. Third property आपने set करनी है again operator. अब इस केस में हमने यहां पर वैल्यू टू कंपेयर प्रॉपर्टी को सेट नहीं किया है, बिकॉज जो कंपैरिजन हम अभी करने वाले हैं वो कंपैरिजन इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू एंटर होगी उसके डेटा टाइप के साथ कंपैरिजन होगा। और डेटा टाइप मैंने यहां पर सेट किया है इंटीजर, मगर इंटीजर बिकॉज मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो भी वैल्यू एंटर हो दैट शुड बी ऑफ टाइप इंटीजर। नेक्स्ट यू हैव टू सेट दैट इज ऑपरेटर, और ऑपरेटर में आपने सेट करना है डेटा टाइप चेक। एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी इनवैलिड डेटा टाइप, इन केस यूजर डज नॉट एंटर नंबर तो ये वाला टेक्स्ट वहां पर डिस्प्ले होगा। सो लेट मी एंटर हियर 12, so please enter a valid age. Let me enter here some text, invalid data type. अगर मैं यहां पर नंबर एंटर करता हूं सो ये एरर टेक्स्ट यहां से निकल जाएगा। सो दिस इज कंपेरिजन विथ डेटा टाइप। नाउ वी विल सी थर्ड टाइप ऑफ कंपेरिजन, दैट इज कंपेरिजन विथ अदर कंट्रोल। तो यहां पर हम और एक कंपेयर वैलिडेटर ले लेंगे एंड नाउ वी विल सेट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। So, सबसे पहले प्रॉपर्टी कंट्रोल टू वैलिडेट दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, आई विल टेक 4।
because I want to validate this fourth text box, confirm password, and control to compare I will take 3. Okay, तो इसके अंदर का जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड के साथ कंपेयर होगा और ये वाला वैलिडेशन हम कर रहे हैं कि ये कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड के बराबर होना चाहिए. दैट्स व्हाई अवर कंट्रोल टू वैलिडेट इज टेक्स्ट बॉक्स 4 एंड देन वी विल सेट प्रॉपर्टी दैट इज टेक्स्ट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड does not match. Password and confirm password does not match. और दोनों text box की जो password क्या property है वो आपने set करनी है ताकि जब भी user इसके अंदर कुछ enter करे तो वो password वहां पर visible नहीं होना चाहिए. और password क्या property हम text mode से set करते हैं. So text mode में password set करना है, इसके भी text mode में password set करना है. Okay. Now let's run this. So we will see how all this validation works. So this is invalid. This is invalid. यहाँ पर मैं password enter करता हूँ ABC. Second password मैं enter करता हूँ PQR. And you can see here password and confirm password does not match. अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया ABC तो दोनों भी match होते हैं. उस case में ये जो message है वो निकल जाएगा यहाँ से. If you enter all values valid. And if you click this submit button, the page will submit. So guys, ये था compare validator. इसमें हमने तीनों type के comparison देखे हैं. I hope आपको ये control समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.